हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सीआरपीसी की सीरीज़ पर चल रहे हैं, और सीआरपीसी की सीरीज में आज हम लोग एक नए सेशन की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे सीआरपीसी के। एनी बडी हु वॉन्ट्स टू ज्वाइन इंडियन एविडेंस एक्ट की जो रिकॉर्डेड क्लासेज हैं वो लेना चाहें, या लाइव क्लासेज ज्वाइन करना चाहें लाइव प्लस रिकॉर्डिंग, तो वो आप कर सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। व्हाट्सएप पर आप मैसेज करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिलहाल बिना कोई समय गवाए सीधे मुद्दे की बात करते हैं और पहुंचते हैं अपने स्क्रीन पर, जहां पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 111। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन आता है 111। क्वेश्चन है, अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन। अब सबको पता है कि आज के डेट में क्या आंसर होने वाला है, और नो डाउट अ पर्सन, अगर आपको आंसर पता है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबको पता होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ये आंसर को। अ पर्सन अरेस्टेड शुड नॉट बी डिटेन्ड मोर देन कितने आवर्स, तो 24 घंटे से ज़्यादा किसी एक पर्सन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करता हूँ, आपको यहाँ पर क्या करना है, सीआरपीसी के प्रोविजंस प्लस आपको कौन दूसरे प्रोविजंस लाइक कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी आपको नोट डाउन करने चाहिए, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए सीआरपीसी में आपको मिलता है सेक्शन नंबर 57, और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है आर्टिकल 22 का क्लॉज नंबर 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ पर ये सेम प्रोविजन दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं उसका डिटेल्ड वर्जन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन नंबर है 112। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द सीआरपीसी पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज विदाउट वारंट। सो पुलिस कभी भी बिना वारंट के अगर अरेस्ट करती है, तो उसके लिए यहाँ पर क्या सेक्शन पूछा जा रहा है, तो सेक्शन होगा 4141। ये चैप्टर नंबर 5 सीआरपीसी के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज हैव द राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन हैव बीन एन्यूमरेटेड बाई द सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का वो कौन सा डिसाइडेड केस है जिसमें अरेस्टेड पर्सन के राइट्स की बात की गई थी। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो बहुत फेमस केस है DK बासु वर्सेज यूनियन वेस्ट बंगाल। ये मेनका गांधी नहीं होगा, ठाकुर राम नहीं होगा, सबसे पहला केस होगा DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि DK बासु वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ही वो पहला केस है जिसमें अरेस्टेड पर्सन के राइट्स का जिक्र किया गया है। ओके, और इस केस से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स यहाँ पर आपको मैं शेयर कर दे रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हुआ था 18 दिसंबर 1996 को। इसके बेंच में थे ऑनरेबल जस्टिस कुलदीप सिंह और जस्टिस ए एन आनंद। ओके, और जिन प्रोविजंस को डिस्कस किया गया था वो आपके सामने, इसमें सीआरपीसी, इसके अलावा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं जो इम्पोर्टेंट, इसके अलावा आईपीसी, इन तीनों के बारे में डिस्कशन हुई थी। यानी तीन एक्ट थे जो कि मोस्टली टारगेट पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 114। अंडर सेक्शन डैश ऑफ सीआरपीसी इट इज मैंडेटरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट्स अबाउट द राइट ऑफ बेल इफ द ऑफेंस इज नॉट नॉन बेलेबल। सो नाउ यहाँ पर पॉइंट क्या है कि भाई कौन सा वो सेक्शन है जहाँ पर ये मैंडेटरी है पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म करना अगर किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट किया गया है तो, अबाउट द राइट ऑफ बेल। तो अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर सेक्शन हमारे पास बनता है सेक्शन नंबर 5050, ऑप्शन नंबर होगा बी। इसके आगे कनेक्टेड फैक्ट अगर देख लेंगे तो यहाँ देखिए सेक्शन नंबर 50 है, सब सेक्शन 2 है, जहाँ पर बहुत क्लियर मेंशन किया गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन ए पर्सन अक्यूज ऑफ ए नॉन बिलेबल ऑफेंस, ही शैल इन्फॉर्म दी पर्सन अरेस्टेड दैट ही इज इंटाइटल्ड टू बी रिलीज ऑन बेल एंड दैट ही मे अरेंज फॉर श्योरिटीज ऑन दिस बिहाफ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, किस कंडीशंस में पुलिस है जो कि बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है उसकी बात कर रहे हैं। हु हैज बिन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाई स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर आप देखेंगे जाकर के सेक्शन 41 के अंदर, तो ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं जहां पर पुलिस की उपस्थिति में अगर किसी ने कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दिया तो पुलिस से जो बिना वारंट के अरेस्ट कर लेगी। और दूसरा ऑप्शन भी सही है, यानी कि बी नंबर, कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने किसी व्यक्ति विशेष को क्या कर दिया, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया है, भगोड़ा डिक्लेयर कर दिया है तब। सो यहाँ पर होगा बोथ ए एंड बी, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट, अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड बाई पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट, वेदर सच पर्सन हैज बिन एडमिटेड टू बेल और अदरवाइज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट टू।
ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा गया कि अगर पुलिस ऑफिसर ने किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर लिया है तो उस पर्सन को बेल मिला है या बेल नहीं मिला है, वो बेल पर है या बेल पर नहीं है, इसकी सूचना ऑफिसर इंचार्ज जो जो पुलिस स्टेशन यानी जो SHO होगा, जो थाना प्रभारी होगा, जो थाना अध्यक्ष होगा, किसको देगा। इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर मैं ऑप्शन नंबर ए की बात करूं तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ऑप्शन नंबर बी में SDM है और ओनली लगा हुआ है इसलिए इसको नहीं ले रहे हैं। सी में होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या और ये अगर डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का है तो SDM साहब भी ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा, यहाँ पर देखिए सेक्शन नंबर 58 है और सेक्शन नंबर 58 के अंदर ये बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि पुलिस जो है अप्रिहेंशन को रिपोर्ट करेगी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 117, विच प्रोविजन स्टेट्स दैट अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट विदाउट अ वारंट। किस प्रोविजन के तहत एक प्राइवेट पर्सन किसी व्यक्ति को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो अगर आपको ध्यान में होगा तो सेक्शन नंबर है 41 और 43 ऑफ 43 सबसेक्शन 1 CRPC। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आप अगर CRPC में देखेंगे सेक्शन 43, तो सेक्शन 43 के तहत प्राइवेट पर्सन को पुलिस जो है प्राइवेट पर्सन जो है अरेस्ट कर सकता है किसी व्यक्ति विशेष को बिना वारंट के। ओके, कंडीशंस यहाँ पर बहुत क्लियर होते हैं कि यहाँ पर ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होना चाहिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होना चाहिए, तब अरेस्ट करने के बाद का प्रोसीजर भी उसमें मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 118, ए इज ए मैजिस्ट्रेट, इन हिज प्रेजेंस वन मर्डर टुक प्लेस ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, वेदर ही कैन अरेस्ट द कल्प्रिट हिमसेल्फ। कहते हैं कि ए एक मैजिस्ट्रेट है जिसकी उपस्थिति के सामने, उसके सामने, उसकी आंखों के सामने एक मर्डर हुआ ड्यूरिंग हिज मॉर्निंग वॉक, वेदर ही कैन अरेस्ट द कल्प्रेट। आंसर है यस। ये सेक्शन लगेगा 4444 CRPC। यहाँ देखिए अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट सेक्शन है 4444 CRPC। तो यहाँ पर हो गया बी का ऑप्शन यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द CPC, याद देखिए ध्यान दीजिए CRPC नहीं CPC लिखा हुआ है, प्रोहिबिट्स द अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ अ वुमन इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री फॉर मनी। तो ये कोई टाइपिकल एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर लिखा गया है कि CPC का वो कौन सा सेक्शन है जो अरेस्ट और डिटेंशन, महिलाओं के अरेस्ट और डिटेंशन को रोकता है, जहाँ पर डिक्री और मनी की बात होती है। सो डिक्री फॉर मनी का, सॉरी मनी डिक्री है, उसका एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। उसके एग्जीक्यूशन में अरेस्ट या डिटेंशन महिला को नहीं किया जाएगा। ये CPC के किस सेक्शन के अंदर लिखा गया है, तो सेक्शन नंबर है 5656 ऑफ द CPC। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं कनेक्टेड लॉज के अंदर 56, प्रोहिबिशन ऑफ अरेस्ट और डिटेंशन ऑफ वुमन इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन इज, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ CRPC पुलिस कैन अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट। वो कौन सा सेक्शन है CRPC का जहां पर पुलिस बिना अरेस्ट वारंट के किसी व्यक्ति विशेष को अरेस्ट कर सकती है। सेक्शन हो जाएगा 4141। नेक्स्ट क्वेश्चन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में लेंगे। हम लोग का 10 क्वेश्चन का टारगेट है ताकि स्लो स्लो मोड में भी थोड़े थोड़े करके भी बहुत ज्यादा हम लोग पढ़ सकें। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मिलते हैं ऑनलाइन लाइव क्लास में कॉन्स्टिट्यूशन के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।